भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले पहले टेस्ट के लिए एक जगह और तीन दावेदार अजिंक्य रहाणे, श्रेयस अय्यर या हनुमा विहारी में से पहले टेस्ट में किसे मिलेगा प्लेइंग 11 में मौका, बताएंगे आपको वीडियो में आगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया साउथ अफ्रीका को हरा दे तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 26 दिसंबर से तीन मुकाबलों की टेस्ट सीरीज का आगाज हो रहा है और पहला मैच रविवार से सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट पार्क में खेला जाएगा। इस मैच के लिए टीम प्रबंधन को प्लेइंग 11 के लिए कड़े फैसले लेने होंगे, लेकिन टीम में पांचवें नंबर के लिए अजिंक्य रहाणे, श्रेयस अय्यर और हनुमा विहारी पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए रेस में हैं। अजिंक्य रहाणे जहां विदेशी दौरों पर जबरदस्त प्रदर्शन करते हैं, तो वहीं श्रेयस अय्यर और हनुमा विहारी ने हाल के मुकाबलों में अच्छा प्रदर्शन करते हुए रन बनाए हैं। ऐसे में टीम मैनेजमेंट के लिए बहुत मुश्किल निर्णय होने वाला है और टीम इस पर मैच वाले दिन ही फैसला लेगी। अगर हम फॉर्म के हिसाब से देखें तो अय्यर ने कानपुर में डेब्यू टेस्ट में बेहतरीन प्रदर्शन किया था और उन्हें ही दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध पहले मैच में मौका मिलना चाहिए। दोस्तों, अगर रहाणे को मौका मिल भी जाता और वो अच्छा प्रदर्शन करने में नाकाम हो जाते हैं तो शायद ये उनके लिए आखिरी मौका भी हो सकता है। वहीं अय्यर ने अपने डेब्यू मैच में शतक और फिर अर्धशतक लगाया है, जिससे उनके हौसला सातवें आसमान पर होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि टीम इंडिया में इन तीन खिलाड़ियों में से किसे मौका मिलता है। दोस्तों, अगर आपको इसका जवाब पता हो तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।